हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 ये आपका गिवन है। अब देखो इवेल्युएट करना है, 1 + sin A, 1 - sin A / 1 + cos A, 1 - cos A। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे थीटा है तो सब एंगल्स क्या होंगे, थीटा ही रखेंगे हम लोग। ओके, ये आपका थीटा है, ये भी क्या आपका थीटा। ओके, अब तो ध्यान दो यहाँ पे, गिवेन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब कॉट का जो रेशियो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका नहीं है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनस। ओके, जैसे ही बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मालूम हो जाएगा, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, ये आपका बेस है, आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, सिंस हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस क्या है आपका 7² प्लस ये क्या है आपका 8². ओके, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 7² = 49 = 64, इसको ऐड कर लेंगे आप, स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 9 4 13 और 6 4 10 11 हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या होगा √103। अंडर रूट क्या होगा, एच की वैल्यू कितना है आपका √113। देयरफोर साइन थीटा क्या होता है आपका, हमें देखो बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके, इसका है परपेंडिकुलर 8 है आपका 8, और हाइपोटेनस हमने फाइंड किया है √113। ऐसे ही आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका होता है बेस अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू कितना है यहाँ पे, बेस इक्वल टू 7 है आपका 7, और हाइपोटेनस कितना है आपका √113। ओके, इस तरह साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है कॉस और साइन का, इसमें हम रख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, रखिए तो साइन कितना है आपका 1 + 8/√113 ब्रैकेट क्लोज 1 - 8/√113। ओके, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू था हमने क्या रखा है, साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया। ओके, अपान 1 + cos के लिए कितना 7/113 ब्रैकेट क्लोज 1 - 7/√13। हमने इसकी वैल्यू को सबको पुट कर दिया, साइन और कॉस की वैल्यू हमने फाइंड किया उसमें हमने पुट किया। अब इसको सॉल्व कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो आपका a + b a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b² फॉर्मूला होता है आपका। तो a की स्पेस क्या है 1 है आपका, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। दूसरा देखो 8 का स्क्वायर करें क्या आएगा -64, बोलो 8 का स्क्वायर मतलब 64, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 113, आपका स्क्वायर जो रूट है वो हटेगा। ओके, बात समझ में आई नहीं, ऐसे ही सेकंड देखो तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1, ए भी आपका a + b a - b फॉर्म में बन रहा है, a + b a - b, ये भी क्या होगा आपका 7 का स्क्वायर मीन्स 49 अपान 113। ओके, ऐसे इसको सॉल्व कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 113 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे 113, और इससे डिवाइड कर 64 होगा आपका 64 अपान 113 - 49 अपान 113, और ये 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 - 64 करेंगे तो कितना आएगा आपका
49, बोलो अपान क्या होगा 64, बोलो बात समझ में नहीं, इसमें मास करेंगे 64 आएगा, इसमें मान करके आएगा 49, इस तरह से इसकी टू ए वैल्यू होगा आपका, आंसर हो गया आपका। ऐसे ही सेकेंड है आपका कॉट थीटा स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो जैसे साइन आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसको सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। ऐसे ही अगर साइन होल क्यूब है तो इसको सकते हैं साइन थीटा होल क्यूब, इस बस में ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा की जो वैल्यू दिया है यहाँ पे, देखो कितना है 7/8, यहाँ पर रख लेते हैं 7/8 होल स्क्वायर इक्वल टू का 49/64, देखो ये भी आपकी वैल्यू हमें फाइंड हो गया। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने, अगर कोई वैल्यू दिया उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें पुट करके उसे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। बात समझ में आया सबको, ओके, ईजी है।